कोलकाता की बारिश का एक अलग ही मिजाज है। शाम ढलते ही मानो आसमान फट पड़ता है और पुरानी गलियों में घना अंधेरा छा जाता है। ऐसे ही एक बरसात की शाम सोनाली नाम की लड़की टैक्सी का इंतजार कर रही थी। घंटों बीत गए पर टैक्सी का कोई पता नहीं चला। तभी उसे दूर से एक पीली रोशनी दिखाई दी। उम्मीद जगी और वो लौंडे की तरफ दौड़ी। लौंडा एक पुराने घोड़े वाली गाड़ी का था। गाड़ीवान ढाक से ढका हुआ था, सिर्फ उसकी हड्डीली उंगलियां बाहर निकली थीं। सोनाली को झिझक हुई मगर बारिश इतनी तेज थी कि उसने गाड़ी में बैठने का फैसला कर लिया। गाड़ी चल निकली। अजीब सी बात यह थी कि घोड़े की कोई आवाज नहीं आ रही थी। आसपास की गलियां भी पहचानी जाने वाली नहीं थी। सोनाली ने घबराकर पूछा, ये कौन सी जगह है? कोई जवाब नहीं आया। तभी गाड़ीवान ने धीरे से ढाक हटाया। सोनाली की चीख निकल गई। उसके सामने एक खोपड़ी थी जिसकी खाली आंखों के कोनों से खून टपक रहा था। गाड़ी एक सुनसान घाट पर रुकी। खोपड़ी वाला हंसा, एक ऐसी हंसी जिससे खून जम जाता है। अचानक आसपास सैकड़ों लाशें इकट्ठी हो गईं। उनकी भूखी आंखें सोनाली पर टिकी थी। फिर अचानक सब गायब हो गया। सोनाली अकेली खड़ी थी। बारिश थम चुकी थी और आसमान में एक पीला चांद चमक रहा था। वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। सुबह को जब उसे होश आया तो वो उसी चौराहे पर पड़ी थी जहां टैक्सी का इंतजार कर रही थी। लेकिन अब उसके बाल सफेद हो चुके थे और आंखों में एक ऐसा डर था जिसे वो कभी बयां नहीं कर पाएगी।